हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए। उनका कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो उसको सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी भी उसको सुनेंगे, हम भी उसको सुनेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। इस परिस्थिति की जो पृष्ठभूमि है वो आज नहीं उत्पन्न हुई है, वो आज से करीबन 10 साल से ये मसला चला हुआ है। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट हमारे शिमला शहर के संजौली में हुआ है, निश्चित तौर से चिंताजनक है, और सरकार जो वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ सिंपथाइज भी करती है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस मसले को सुलझाया जाए और कानून के हिसाब से जो है सब प्रक्रिया हो। इसमें दो पहलू है, एक जो माइग्रेंट्स बाहर के राज्यों से यहाँ पर आते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि हिमाचल के लोगों की जो भी कंसर्न्स है उसको उसमें मद्देनज़र रखते हुए एम्पल सिक्योरिटी मेजर्स आर टेकन एज फार एज दी माइग्रेशन ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड। और जो दूसरा मसला है अवैध भवन के निर्माण का, अवैध मस्जिद के निर्माण का, इसके ऊपर क्योंकि ये मसला सब जूडिस है, लर्नेड कमिश्नर म्यूनसिपल कमेटी के पास, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास लंबित है, तो जब भी वहाँ से इसके ऊपर फैसला आता है उसके बाद सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर से डायलॉग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो भी लोग आए हैं वो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनका कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो उसको सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी भी उसको सुनेंगे, हम भी उसको सुनेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से खराब हो। आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इस परिस्थिति की जो पृष्ठभूमि है वो आज नहीं उत्पन्न हुई है, वो आज से करीबन 10 साल से ये मसला चला हुआ है, जो है वो एमसी कोर्ट में चला हुआ है, वहाँ पे लगातार हियरिंग हो रही है और उसमें कुछ चीज़ें निकल कर भी आई है, तो इसको हम देखेंगे इन द टाइम्स टू कम। इसको एक्सपेडाइट करना है, फास्ट ट्रैक करना है, उसके ऊपर भी सरकार कॉल लेगी, मुख्यमंत्री जी कॉल लेंगे, तो हम मिलकर इस चीज़ को देखेंगे। मगर मेरा ये विनम्र निवेदन प्रदेश की जनता से है कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से पूरे विश्व में, पूरे देश में जाना जाता है, और यहाँ के अच्छे माहौल को बनाए रखना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, और उसके लिए मेरा यही विनम्र अपील प्रदेश के लोगों से रहेगी कि इस मसले को एस्केलेट ना करते हुए हम इसको डायलॉग के माध्यम से पूरा करें और इसको आगे बढ़े। ये देखिए, अभी इसकी मुझे पूरी वास्तविक जानकारी नहीं है, मगर ये चीज़ें छन कर आई है कि थोड़ा माइल्ड लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स भी उसमें इंजर्ड हुए हैं, तो वो दृष्टि उस तरीके की चीज़ें हैं, उस पर अभी हम आने वाले समय में देखेंगे कि कितना उसमें जो है नुकसान हुआ है। मगर हमारी, जैसा हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस को माइल्ड एक्शन लेना भी पड़ता है, कोएसिव मेजर्स थोड़ा लेना भी पड़ता है, बट दैट इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट कि वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति ना बने कि कल को उससे बहुत बड़ी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए, इसलिए कोएसिव मेजर भी थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। फाइनली आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू ना हो, जैसा आप कह रहे हैं शांति बनी रहे, व्हाट एफर्ट्स इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू? ये गवर्नमेंट ने इसमें डायलॉग करने के लिए पीछे नहीं है, हमने एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने की भी मुख्यमंत्री ने बात करी है, जितने भी माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं उनको वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर उनकी एलोकेशन दुकानों की यहाँ पर हो, चाहे वो रेड़ी फड़ी वाले हैं, चाहे सब्जी वाले हैं, चाहे और दुकानें हैं, ताकि हिमाचल के लोगों के अंदर कोई भी इस तरीके की भावना उत्पन्न ना हो। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हिमाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और हिमाचल में किसी भी राज्य से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, मगर यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है, और उसके लिए जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को उठाने पड़ेंगे, वो पूरी मजबूती से उनको उठाया जाएगा, ये विश्वास मैं जो है वो प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ। मगर मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज ओपन फॉर डायलॉग्स विद एवरीबडी, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए
और कोई भी ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न ना हो जिससे कल को देवभूमि के नाम से जो हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है पूरे देश में पूरे विश्व में उसमें कोई छोटा सा भी कोई कलंक आए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं मगर हमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब हो, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि सरकार आपके साथ है, कानून प्रक्रिया आपके साथ है, हमको मिलकर इस चीज़ को सुलझाने की आवश्यकता है।